गाइस, आई एम पवन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि पिकअप एंड राइड कितनी आसान तरीके से हम किसी भी बेस पर कर सकते हैं, किसी भी बेस को हम आसानी से 3 स्टार कर सकते हैं पिकअप एंड राइड से। आज मैं आपको कुछ अटैक्स दिखाऊंगा जिसमें कि मैंने 3 स्टार करे है पिकअप एंड राइड से। उसमें आपको समझाऊंगा कि आप कैसे कितनी आसानी से 3 स्टार ला सकते हैं किसी भी बेस के ऊपर। चलो देखते हैं। हमारा आज का जो पहला अटैक है वो पूरा का पूरा मैक्स TS12 है। आप देख सकते हैं सारे के सारे इन्फर्नोज मैक्स है। तो एक सिंगल है और एक दो जो है वो मल्टीपल है, मल्टीपल पर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे फोड़ा जाए। साइड में जो दिख रहा है नॉर्मल पे वो साइड जब हम क्लियर कर लेंगे, फिर यहाँ से लैबोरेटरी की तरफ से हम पेका और जो बाकी आर्मी है वो छोड़ देंगे। ईडी का काम वही है इस मैच के अंदर की जब साइड्स को जो क्लियर करने का, जिसके कारण पेका जो है वो सीधा अंदर जाए और जो बॉलर्स है वो भी अंदर की तरफ जाए। स्टार्ट में हम आइस गोलम डालेंगे जिसके कारण जो सारे जो सारे डिफेंस है वो आइस गोलम पर ही अटैक करेंगे और उसके बाद हम बेकार्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी की सारी अंदर जा चुकी है और जो पहला रेट जो है वो डाल दिया है। वार्डन को जल्दी बुश नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर यहाँ पे बुश कर दिया तो जब ई का टेस्ट कब उठेगा आर्मी डैमेज, आर्मी सारी की सारी जा सकती है हमारी। तो टाइम पे वार्डन को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब की जो गीगा टेस्ला है वो फूट चुका है, तो हम अपने जो पैक्स पे थे वो इधर साइड में डाल देंगे। तो यहाँ पे एक भी इधर टावर बाकी नहीं है, हाँ सिर्फ एक ही बाकी है। तो उसके लिए हमारे पास एक फ्रिज भी बाकी है, तो उसका हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इस आसानी से हम इस फ्रिज को हमने छोड़ दिया है। चलो आगे देखते हैं। आधे जो बैठे उस साइड में जा चुके हैं, लेकिन हमारे पास फ्रिज था इसलिए हम बच गए। पेका देखिए आप, तीनों पेका बाकी है। ये अटैक की खासियत होती है, पूरा का पूरा मैक्स पे छोड़ दिया है। अभी हम देखेंगे अगला अटैक। ये हमारा दूसरा अटैक आज का। इसमें सारा का सारा डिफेंस तो मैक्स नहीं है, बट जितना होना चाहिए उतना तो है। हमारी आर्मी भी उतनी मैक्स नहीं है अभी। तो हमने यहाँ पे साइड में 2 ड्रैगन डाल के साइड का क्लियर कर दिया है। अभी हमें हमेशा की तरह तो आइस गोलम डालेंगे, तो जो हिट पॉइंट्स है उससे हमें फ़ायदा पड़ेगा उनके। उसके बाद जो फ्रीज होंगे तो उधर का डिफेंस जो बाकी रहेगा वो भी फ्रीज हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो सारी की सारी में जो इम्पोर्टेंट आर्मी है वो अंदर की तरफ जा रही है। इसका फ़ायदा इस वही होता है कि जब हम दोनों तरफ से ड्रैगन छोड़ते हैं तो साइड का क्लियर कर देते हैं, और जब आइस गोलेम और पेका छोड़ देते तो वो भी साइड से क्लियर कर देते हैं। सिर्फ अंदर का जो बाकी रहता है साइड में बॉर्डर में, वहाँ पर हम बॉलर डाल देंगे तो बॉलर भी वहाँ का क्लियर कर देंगे।
सिर्फ जो सेंटर में जो यहाँ का वाकई पोर्शन रहता है, इंग्लिश डाय स्टोरेज और यहाँ का अच्छा डाउन उतना बाकी रह गया। तो इससे जो आर्मी है वो सेंटर की तरफ ही जाएगी। इससे हमें फ़ायदा ये रहेगा कि सारी आर्मी जो है, जो इम्पोर्टेंट आर्मी क्वीन रहेगी और जो हमारा न्यू हीरो है रॉयल चैन, वो सब के सब यहाँ पर टी एस की तरफ जाएंगे। तो इससे थ्री स्टार आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने डाल दिया यहाँ पर फिर ताकि बॉल ब्रेकर अंदर तक जाए। यहाँ पे हमें वार्डन बूस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वार्डन बूस्ट थोड़ा लेट हो गया, इसलिए वहाँ के जो बॉलर्स है वो मर गए। लेकिन फिर भी हम अभी भी अटैक में जिंदा है, हमारे 6 बैट्स पे बाकी है। अब हम यहाँ पीछे से बैट्स पर डाल देंगे, विदाउट टावर सिर्फ एक ही बाकी इस बार भी। इन्फोर्नो टावर भी उससे चला जाएगा तो काफ़ी आसानी से अटैक ख़त्म हो जाएगा। अभी हमारे पास फ्रिज तो नहीं बाकी है, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रो ड्रैगन है जो वहाँ पे भी टावर के पास जा रहा है। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि वो उसको फोकस अपने आप पे कर लेगा। ओ ये तो बाहर चला गया, अगर बैट तो मर गए, लेकिन अभी आर्मी अच्छी खासी बाकी है तो फेंका है अभी भी। इनकी भी लाइफ थोड़ी बाकी है, सेवन परसेंट हो चुका है, अच्छा खासा है। देखिए आसान रहता है। देखिए हम और एक अटैक देखेंगे जिसमें आपको फिर से बताऊंगा कि कैसे करना है अटैक। तो हे गाइस, ये हमारा तीसरा अटैक है विद पेक अप बैट। इसमें ये बेस इतना मैच तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इस पर आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, किसी भी बेस पे पेका वो बैट कैसे 30 स्टार तक ले जाना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम दोनों साइड में कॉर्नर पे, जहाँ पे हमें इजी लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ डिफेंस ले जा सकते हैं, वहाँ पर हम एडी छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडीज काफ़ी बिल्डिंग उड़ा चुके हैं अब तक। यहाँ पे हमें एक एडवांटेज में मिल चुका है, जहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि आर्मी अंदर जा सकती है। हमेशा की तरह हमने पहले आइस गोलम डाल दिए, उससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि पेका जब वॉल्स पे हो जाए तब अंदर से जो भी बिल्डिंग अटैक करती है वो फ्रीज हो जाती है जब आइस कोलम होता है, इसलिए हमें उसका एक फ़ायदा एडवांटेजेस मिलता है। उसके पीछे से हम बॉलर्स को छोड़ देते हैं तो उससे वो जो वॉल्स की तरफ जो बिल्डिंग होती है वो भी फूट जाती है, उससे हमें कोई कम फ़ायदा मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि वॉल ब्रेकर अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे क्वीन भी है, लेकिन हमने उड़ा चुके हैं तो टेंशन कोई नहीं। अभी वार्डन का ये फायदा होता है कि अंदर जब गीगा टेस्ला फूटता है तो वार्डन काफ़ी मदद करता है, जिससे बॉलर्स की लाइफ जो है वो अच्छी रहती है। बॉलर्स बाकी अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही विजर्ड टावर बाकी है और हमारे यहाँ पे 2 पेका है। टेंशन लेने की कोई बात तो नहीं है, आराम से मैच कवर हो जाएगा। तो आपको बस यही करना है, पहले दोनों कॉर्नर पे जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहाँ पे ईडी डाल देना है, वो अच्छा खासा कॉर्नर क्लियर कर देगा। तो बीच में आपको 2 आइस गोलम, फिर उसके पीछे पेका
फिर उसके पीछे बॉलर्स डाल देने, फिर वॉल ब्रेकर डालने के, वॉल ब्रेकर आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी डाल देनी है बॉलर्स के पास, क्योंकि अगर आप वॉल ब्रेकर नहीं डालेंगे, डब्लू डब्लू नहीं डालेंगे तो बॉलर से जो है और बेका वो साइड में चले जाएंगे, साइड में अगर कोई डिफेंस बिल्डिंग बाकी हो तो, या फिर साइड में कोई किसी वॉल को ब्रेक करके वो अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है और आर्मी डाइवर्ट हो सकती है। ये आप देख सकते हैं एक बेका अभी भी बाकी है और बैट स्पेस बाकी है। तो हे गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरा पहला वॉइस कवर वीडियो कैसा लगा। और आज हम लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक, प्लीज़ कर देना क्योंकि मेरा पहला वॉइस कवर वीडियो है। थोड़ा 19 भी हो सकता है लेकिन आगे से आपको प्रॉमिस करता हूँ।